अफगानिस्तान में एक अहदेदार ने तालिबान की जानिब से लड़कियों के सेकेंडरी स्कूल खुलने के चंद घंटों बाद ही दोबारा बंद करने का हुक्म जारी होने की तस्दीक की है, जिससे तालिबान हुकूमत की पॉलिसियों से मुतालिक अहबाम पैदा हो गया है। खबर रसा इदारे की जानिब से लड़कियों को वापस घर भेजे जाने की तस्दीक के सवाल पर तालिबान तर्जुमान इनामुल्लाह समनगानी ने तस्दीक करते हुए जवाब दिया कि हाँ, ये सच है। उन्होंने इस हुक्म की फौरी तौर पर वजाहत नहीं की, जबकि वजारत तालीम के तर्जुमान अजीज अहमद रयान ने कहा कि हमें इस पर तबसरा करने की इजाज़त नहीं है। गुज़िश्ता साल अगस्त में तालिबान के अफगानिस्तान में इक्तदार संभालने के बाद पहली बार स्कूल आने वाली तालिबात आंसुओं के साथ बस्ते समेटे और वापस लौट गईं। 23 लड़कियों के हाई स्कूल्स पर महीनों से आयद पाबंदियों के बाद वजारत तालीम ने गुज़िश्ता हफ्ते ऐलान किया था कि मार्च को मुल्क भर में लड़कियों समेत तमाम तलबा के लिए स्कूल खुल जाएंगे। ताहम एक सरकारी खबर रसा एजेंसी के मुताबिक आज वजारत तालीम के एक नोटिस में कहा गया है कि लड़कियों के स्कूल इस वक्त तक बंद रहेंगे जब तक इस्लामी कानून और अफगान सकाफत के मुताबिक कोई मंसूबा तैयार नहीं कर लिया जाता। नोटिस में कहा गया है कि हम गर्ल्स हाई स्कूल समेत उन स्कूल्स को अगले हुकुम तक बंद रखने का हुक्म देते हैं जिनमें छठी जमात और ऊपर की तालिबात जेरे तालीम हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।